शरई एतबार से दर्स कुरान देने के लिए कितना इल्म रहना चाहिए? शरई एतबार से दर्स कुरान देने के लिए कितना इल्म रहना चाहिए? तो अब देखिए, ऐसा है कि इल्म तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है, और ये जो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं जाके रुकती भी नहीं, बराबर आप पढ़ते रहिए और मुताला करते रहिए, उसमें इजाफा होता रहेगा। शरई लिहाज से ये ज़रूरी है कि जिन आयतों का आप दर्स दे रहे हैं उन आयतों का अच्छी तरह से आप मुताला कर लें, तफसीर की मदद से और मुख्तलिफ जो वसाइल हैं उनकी मदद से पूरे तौर से इत्मीनान हो जाए कि इन आयतों में क्या बात कही गई है, हमारे मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है, हमारे उलमा ने क्या लिखा है, उसका नोट तैयार कर लें। आपके हाथ में नोट हो तब भी कोई हर्ज नहीं है, अंदाजे से कोई बात नहीं कहनी है, अटकल पच्चू से कोई बात नहीं कहनी है, जो बात कहनी है इत्मीनान के साथ कहनी है, शरह सदर के साथ कहनी है, अच्छे मुताले और अच्छी तैयारी के साथ कहनी है, वरना कुरान का खजाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा।